तो इंडिया में स्टॉक मार्केट बहुत ही एक रिस्की टॉपिक है, बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है, और इसमें अगर पेनी स्टॉक का टॉपिक आ जाए तो डेफिनेटली आप किसी भी एनालिस्ट से पूछ लीजिए, किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, हर कोई आपको सजेस्ट करेगा पेनी स्टॉक से दूर ही रहिए। ट्रेडिंग तो छोड़िए, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट भी मत करिए। लेकिन हमने एक महीने पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट छोड़ी, हमने तो पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे करना है और उससे कैसे आप जल्दी क्विक मनी कमा सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो ये चीज बताया। ये 30 मिनट का वीडियो दोस्तों अगर आप समझ गए, इसमें जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, जो सेट ऑफ रूल्स आपको बताया गया है, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से और इसको आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए तो दोस्तों आप जिंदगी भर पेनी स्टॉक से अच्छे खासा पैसा कमा सकते हो, रेगुलरली ट्रेडिंग कर सकते हो, कंसिस्टेंटली अर्निंग कमा सकते हो। दोस्तों अब इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफी कमेंट्स आए, काफी मैसेजेस आए, लेकिन इस वीडियो की असली सक्सेस तब होती जब लोग इसको इम्प्लीमेंट करते, हिम्मत करते, ट्रेड करते पेनी स्टॉक्स में, जिन रूल्स को हमने बताया उनको फॉलो करते, जिन स्ट्रक्चर को हमने बताया, जो स्ट्रेटेजी हमने बताए उसको फॉलो करते और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते, तब जाके इस वीडियो का असली सक्सेस होता दोस्तों। फाइनली ये पिछले एक महीने में 4 वीडियो पोस्ट करने के बाद हमारे टेलीग्राम मेंबर्स इन वीडियोस में बताए गए स्टॉक्स पे ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने किस तरीके से हमारे टेलीग्राम के मेंबर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया इन पेनी स्टॉक के कॉल से, आप लोग भी ऐसे पेनी स्टॉक के कॉल से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, कैसे पेनी स्टॉक से हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्या वो स्ट्रक्चर है, क्या वो सेट ऑफ रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ये आधे घंटे का वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे हो। इसके अलावा अगर इन मेंबर्स के फीडबैक को देख के क्या आप भी एक्साइटेड हो इस हफ्ते के स्टॉक्स को जानने के लिए जो आपको इस वीक में अच्छे खासे पैसे कमा के दे सकता है, जरूर स्मैश कीजिए लाइक बटन ताकि मुझे पता चले आप लोग एक्साइटेड हो इस वीडियो को देखने के लिए और आज के क्यों 3 स्टॉक्स को और उनके चार्ट सेटअप्स को देखने के लिए। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको बता दूं कि हम यहाँ पे स्पेशली फोकस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में बिगनर्स को सिखाने के लिए, उनको एक सही डायरेक्शन और सही राह बताने के लिए कि किस तरीके से आप सिंपल कॉन्सेप्ट के जरिए आप स्टॉक मार्केट में रेगुलरली प्रॉफिट अर्न कर सकते हो कंसिस्टेंटली विदाउट मच। तो अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और ना आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस कर दोगे। इसके अलावा अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए शुरू करते हैं आज का। तो पेनी स्टॉक्स को ट्रेड करने के कुछ रूल्स हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, उनका एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। जो भी स्टॉक्स आप चूज कर रहे हैं उसमें कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो जो स्टॉक आप चूज कर रहे हैं वो प्राइस अपने क्रूशियल लेवल्स के आसपास होना चाहिए, यानी कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा जो भी स्टॉक आप चूज कर रहे हो उसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, RSI उसका अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, प्रिफरेबली इन तीनों टाइम फ्रेम में, मंथली, डेली एंड वीकली। इसके अलावा जो भी स्टॉक आप चूज कर रहे हो उसमें अच्छी खासी वॉल्यूम्स होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के स्टॉक्स आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इन स्टॉक्स में आपको एंट्री और एग्जिट बहुत ही क्रूशियल होता है, कैसे करना होता है, कब करना होता है, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको अपने ग्रीड और पेशेंस पे कंट्रोल करना होता है और सही लेवल्स का वेट करना होता है। जस्ट बिकॉज किसी ने यूफोरिया क्रिएट किया किसी स्टॉक के बारे में, आपके दोस्तों ने खरीदा इसलिए आपको नहीं खरीदना है वो स्टॉक, आपको राइट क्रूशियल लेवल्स पे एंटर करना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे कमाने हैं, आपको अपनी पोजिशन साइजिंग पे ज्यादा फोकस करना होगा। पोजिशन साइजिंग ही डिसाइड करेगा आप कितना तगड़ा प्रॉफिट कमाते हो, ये मैंने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया। आपको बेसिकली 1000 के मल्टीपल्स में खरीदना है, मिनिमम 1000, 2000, 3000 इस तरीके से पेनी स्टॉक्स जब आप ट्रेड कर रहे हो इतने क्वांटिटीज में आपको खरीदना है, तो ही आपको एक साइजेबल प्रॉफिट अमाउंट दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। अब सीधे चलते हैं चार्ट पे।
बढ़ने से पहले दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किसी भी बिगनर की जर्नी काफी डिफिकल्ट रहती है। और डिफिकल्ट इसलिए रहती है क्योंकि उसके पास सही नॉलेज, कॉन्फिडेंस, स्किल्स या पेशेंस नहीं होता। उसके अलावा उसे कोई प्रॉपर हैंड होल्डिंग या सपोर्ट नहीं मिलता, या उसे वर्केबल स्ट्रेटेजीज की जानकारी नहीं होती, और सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल टफनेस की कमी होती है दोस्तों। और हम भी आपकी तरह इस जर्नी से गुजर चुके हैं, इसीलिए हम आपकी इस डिफिकल्ट जर्नी में आपकी मदद करना चाहते हैं और आपकी इस जर्नी को एंजॉयबल बनाना चाहते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस एंड हैंड होल्डिंग, जो कि हम एब्सोल्युटली फ्री करेंगे। आपसे कोई चार्ज नहीं लेना चाहते दोस्तों। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव और एफर्ट अच्छा लगता है तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे लिंक के थ्रू, डीमैट अकाउंट ओपन करके अपस्टॉक्स में। अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज का सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे मैं टाइप कर रहा हूँ, और ये इसीलिए मैं आपको जीरोडा के प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा हूँ क्योंकि कई लोगों की कंप्लेंट आ रही थी कि कुछ जो स्टॉक्स आप बताते हो कुछ स्टॉक्स हमारे ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते, इसलिए मैं आपको जीरोडा जो कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म है उस पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो श्रेणी यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, और आप देख सकते हो एनएससी में मिल जाएगा ये स्टॉक। आप यहाँ पे इसका चार्ट भी देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर आप चेक करो, कोई एरर नहीं आ रहा है, कोई लिमिट नहीं आ रहा है, या लिक्विड स्टॉक टीओटीपी एक्टिवेट करना, कोई किसी तरीके का एरर नहीं आ रहा है स्टॉक में, क्योंकि ये लिक्विड स्टॉक है, इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम्स है। अगर आप इसमें बाय करते हो तो अभी फिलहाल मार्केट बंद है, इसलिए इसमें कोई ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता, वरना आप मंडे को डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, और इसके आप मार्केट डेप्थ को अगर आप चेक करो तो आप देख सकते हो इसकी अपर सर्किट लिमिट है 4.20 रुपीज, यानी कि 5% का सर्किट लिमिट है, 5% के अंदर एक्चुअली मोटा मोटा एक 5% का मूव आप इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आइए सीधे चलते इसके चार्ट पे। आप देख सकते हो श्रेणी इसका कोड है और प्राइस करंटली ट्रेड कर रहा है 4 रुपीज पे, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें अच्छी खासी बाइंग हुई है 15 मिलियन की। और आप देख सकते हो यहाँ से जो जर्नी शुरू गई थी इस स्टॉक की, यहाँ जाके एग्जॉस्ट हो गई और यहाँ से दोबारा नीचे गिरने लगा, और दो ही ट्रेडिंग सेशन में एक जबरदस्त बाइंग यहाँ पे शुरू हुई। आप देख सकते हो जब गिरने लगा तब एक जबरदस्त वॉल्यूम्स में सेलिंग हुई थी, और एक दिन छोड़ के आप देख सकते हो अगले ही दिन वापस आप यहाँ पे वॉल्यूम्स देखिएगा, मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा तो आप देखिए कितनी बड़ी वॉल्यूम्स में बाइंग हुई थी थर्सडे के दिन। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़, ऑलमोस्ट 8 करोड़ की बाइंग हुई है इसमें, तो डेफिनेटली कितना जबरदस्त वॉल्यूम्स में बाइंग हुई है। प्लस आज का 15 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन में 95 मिलियन शेयर इसके ट्रेड हुए, तो डेफिनेटली इसमें कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है तभी इतने वॉल्यूम्स में इसमें बाइंग हुई। एक चीज और इसमें आपको नोटिस करनी चाहिए, ये जो बाइंग हुई है इतने बड़े वॉल्यूम्स में ये किस लेवल पे हुई है, ये यहाँ पे नीचे नहीं हुई है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक की जर्नी जाने के बाद हुई है। तो क्यों यहाँ पे हुई है, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है इसका, और एक क्यों क्रूशियल लेवल है इसको हम आगे समझेंगे। तो इस क्रूशियल लेवल के आसपास इतनी बड़ी बाइंग हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है, तो आपको एक अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो एज पर आवर क्राइटेरिया डेफिनेटली स्टॉक एक क्रूशियल लेवल के पास है, इसके अलावा इस लेवल के पास बड़ी वॉल्यूम्स में बाइंग हुई है। आप आरएसआई भी देख सकते हो, 75 के आरएसआई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम है, प्लस एक क्रूशियल लेवल को जस्ट उसने आज के दिन में क्रॉस किया है 4 रुपीज, यानी कि 390 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हमारे लिए पॉजिटिव और हमारी क्राइटेरिया में फिट बैठता है। अब सवाल आता है कि ये क्रूशियल लेवल क्यों है, इसके लिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो मैं बैक टेस्ट करके अगर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट फरवरी 2021 में आप देख सकते हो इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी, नहीं तोड़ पाया, उसके बाद लगातार स्टॉक नीचे गिरता रहा और कंसोलिडेट करता रहा, और अभी अभी रिसेंटली इसमें ये पिकअप आया है दोस्तों, वॉल्यूम्स में पिकअप आया है और स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट दिखाना शुरू किया है। तो सारे इंडिकेशन है कि ये स्टॉक जबरदस्त मूव हो सकता है आने वाले दिनों में। अब क्या टारगेट्स हो सकते हैं, तो जो जैसा मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखाया, थोड़ा सा मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चार्ट को एडजस्ट कर लेता हूं, और मैं आपको कुछ लेवल्स दिखाना चाहता हूं जो प्रीवियस इसके हाइस थे। आप देख सकते हो इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट की तैयारी डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जितने बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा मूवमेंट होगा उसका ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ से डेफिनेटली मुझे लगता है ये स्टॉक 8 रुपीज का जो लेवल है इसका, इसको डेफिनेटली टेस्ट कर सकता है। ऑफकोर्स इस 8 रुपीज के लेवल पे टेस्ट करने के लिए उसे धीरे धीरे एक एक लेवल को तोड़ना होगा दोस्तों, 5 रुपए का लेवल, 6 रुपए का लेवल, 7 रुपए का लेवल और 8 रुपीज का लेवल। जैसे अगर 8 रुपीज का लेवल वो टेस्ट करता है और ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली आपको 10 रुपीज के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। अगर उस स्टॉक में तब तक मोमेंटम रहा, वॉल्यूम्स रहे और स्ट्रेंथ रही, तो डेफिनेटली आपको देखने मिल सकता है। आप इसको हायर टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हो अपने एंड से, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होगी हायर टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली पिकअप हो रही होगी स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली एक बड़ा मूवमेंट आपको इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। इस स्टॉक को आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए इस वीक के लिए पेनी स्टॉक की ट्रेड। बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हो, फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फिर ट्विटर हो, चारों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा, और जिस किसी प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव है उसमें जरूर फॉलो करिएगा।
दोस्तों पहला स्टॉक मैंने आपको जीरोडा पे चेक करके दिखाया था, दूसरा स्टॉक के लिए मैं आपको अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे लाया हूँ ताकि आपको पता चले दोनों ही कॉमन प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल होते हैं उन दोनों पे ही ये स्टॉक्स अवेलेबल है। आप देख सकते हो श्रेणिक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है, तो दोनों पे ही ये अवेलेबल है। इसके अलावा आप दूसरा स्टॉक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है VIKAS विकास। यहाँ पे आप देख सकते हो विकास WSP, इस स्टॉक को हम सेलेक्ट करेंगे और ये स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है दोस्तों 5.35 रुपीज पे। इस स्टॉक को अगर हम बाय करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो कोई एरर नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि मार्केट अभी बंद है इसलिए ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑर्डर क्वांटिटी लगाई तो आपको सिर्फ यही एरर आ रहा है कि मार्केट क्लोज है इसलिए आप ये ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाओगे। बाकी ये स्टॉक इजीली अवेलेबल है और NSE में भी लिस्टेड है स्टॉक ये, ठीक है। सीधे चलते इसके चार्ट पे। अब आप देख सकते हो मैंने इसका चार्ट लगाया है डेली वाला, इसका कोड है विकास WSP, NSE में लिस्टेड है और करंटली प्राइस ट्रेड कर रहा है 5.35 रुपीज पे। और ये 5.10 रुपीज ये उसका एक क्रूशियल लेवल है। आप देख सकते हो यहाँ पे पिछली बार भी इस लेवल से रिजेक्शन हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हुआ था, यहाँ पे सेकंड टाइम रिजेक्शन हुआ था, तीसरी बार आज इस लेवल को फाइनली इसने तोड़ा है दोस्तों आज ही के दिन, इसलिए हम इस स्टॉक को आज चूज कर रहे हैं। और यहाँ पे भी डिसेंट वॉल्यूम्स में बाइंग हुई है पिछले कुछ दिनों में और आप देख सकते हो आज के दिन में भी अच्छी खासी वॉल्यूम थी 7.58 मिलियन शेयर्स। और आप स्टॉक में देख सकते हो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, RSI 74 दिख रहा है, स्टॉक में वॉल्यूम्स बिल्डअप हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, अच्छी खासी वॉल्यूम्स में बाइंग हो रही है। इसके अलावा स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है प्लस एक क्रूशियल लेवल को आज ही के दिन इसने तोड़ा है, तो डेफिनेटली सारे क्राइटेरिया हमारे ये टिक करता है दोस्तों। फिर आप देख सकते हो स्टॉक ने किस तरीके से एक डबल बॉटम पैटर्न भी बनाया है, आप देख सकते हो यहाँ से एक W पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न उसको अभी जस्ट ब्रेक किया है, तो यहाँ से हम डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। कितना अपसाइड जा सकता है आप देख सकते हो, प्रीवियस इसके हाइस जो है 6 रुपीज का लेवल है, ऑलमोस्ट 6.5 के लेवल, तो इस लेवल पे उसको एक रेजिस्टेंस फेस करने मिल सकता है 6 to 6.5 लेवल्स पे। चलो इस लेवल को अगर वो तोड़ता है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको 8 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं या उस लेवल को भी टेस्ट कर सकता है, तो आपको ये डेफिनेटली यहाँ से अच्छा खासा 2 से 3 रुपए तक का मूवमेंट देखने मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप पोजीशन साइजिंग अच्छे से करो तो डेफिनेटली अच्छा पैसा बना सकते हो। बहुत ही सिंपल चार्ट है, सारे वो क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किए थे पेनी स्टॉक वाले वीडियो में उसमें डेफिनेटली आपको ये सारे क्राइटेरिया फिट होते हुए दिख रहे हैं। वॉल्यूम्स अच्छे हैं, स्ट्रेंथ अच्छी है, क्रूशियल लेवल है उसके आसपास है स्टॉक और उसको ब्रेकआउट कर चुका है, डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। मुझे तो डेफिनेटली ये चार्ट अच्छा लगता है, आपको कैसा लग रहा है डेफिनेटली बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप इसकी हायर टाइम फ्रेम पे चेक करो स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, मंथली पे स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है बट धीरे धीरे गैदर कर रहा है स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझसे किसी भी तरीके से कॉन्टेक्ट या कम्युनिकेट करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी क्वेरी के कारण हो, चाहे वो स्टॉक रिलेटेड कंसेप्ट रिलेटेड या फिर हमारे किसी कॉल्स के रिलेटेड या फिर कोई सजेशन या फीडबैक है, तो जरूर आप नीचे दी गई ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप मुझे @trading_professor पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पिंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM कर सकते हो, ट्विटर पे @manifestecapital पे आप ट्वीट कर सकते हो दोस्तों। मैं आपके सारे क्वेरीज को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अब तक मैंने आपको 4 रुपए का स्टॉक बताया जो कि है श्रेणिक, दूसरा स्टॉक जो बताया आपको 5 रुपए का बताया वो है विकास WSP, और अब चलते हैं हमारे आज के तीसरे स्टॉक पे जिसका नाम है SREINFRA श्रेय इंफ्रा। यहाँ पे क्लियरली विजिबल स्टॉक NSE में अवेलेबल है, BSE में भी अवेलेबल है, हम चूज करेंगे NSE, तो हम पहले एड कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें इसमें जब हम बाय करें कोई एरर नहीं आ रहा, कोई इलिक्विड स्टॉक का मैसेज नहीं आ रहा, डेफिनेटली हम इसको बाय कर सकते हैं। मार्केट क्लोज होने के कारण ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो मंडे को आपको ये स्टॉक खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जनरली। आइए स्टॉक को आप चार्ट पे देखते हैं किस तरीके का सेटअप बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने श्रेय इंफ्रा का डेली चार्ट लगाया है, इसका कोड है SREINFRA, पे ध्यान दीजिएगा, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, डेली चार्ट लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रूशियल लेवल मैंने ड्रॉ किया है 6 रुपीज का और इसको आज ही इसने ब्रेक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आज ही एक ब्रेकआउट दिया है। चलो ये लेवल क्रूशियल क्यों है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार पहली बार यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया था, सेकंड टाइम यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया था, दोबारा आज थर्ड अटेम्प्ट में इसने इस लेवल को ब्रेक किया, इनफैक्ट कल ही ब्रेक कर दिया था, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया था, आज अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू रखा है इसने और पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम्स बिल्डअप हो रहे हैं इसमें भी। आज के दिन आप देख सकते हो किस तरीके की वॉल्यूम्स बिल्डअप हुई है इसमें 4.72 मिलियन, और डेफिनेटली अच्छी खासी वॉल्यूम्स में बाइंग हो रही है। इसके अलावा RSI भी आप देख सकते हो 70 की RSI है जो कि दिखा रहा है स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तो सारे हमारे क्राइटेरिया जो पेनी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए है, प्राइस का क्रूशियल लेवल के आसपास होना, उस लेवल को तोड़ना,
वॉल्यूम्स में बाइंग, RSI में स्ट्रेंथ, सारे क्राइटेरिया के चेक बॉक्सेस को टिक कर रहा है दोस्तों ये स्टॉक, तो डेफिनेटली स्टॉक को चूज करना बनता है। अब बात करें तो यहाँ से किस लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा जूम आउट करना चाहूंगा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। आप देख सकते हो किस तरीके से स्टॉक मूवमेंट दे सकता है आपको आने वाले दिनों में। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करें इसको, स्टॉक में एक अच्छा खासा अपसाइड आपको डेफिनेटली देखने मिल सकता है। लेकिन पहला जो रेजिस्टेंस है वो आपको 9.5 to 10 के लेवल्स पे आपको देखने मिल सकता है, यहाँ तक आपको डेफिनेटली एक अपसाइड एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे ही अगर इस लेवल को भी तोड़ता है, स्टॉक में स्ट्रेंथ और मोमेंटम रहती है, वॉल्यूम्स कंटिन्यू रहती है अच्छे खासी, तो डेफिनेटली आपको ये हायर लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मैक्सिमम आपको 18 के लेवल्स आपको डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं। ये 10 to 18 की जर्नी इतनी आसान नहीं होगी, बीच बीच में स्टॉक रेजिस्टेंस ले सकता है। अब ये डिपेंड करेगा स्टॉक किस तरीके से मूव हो रहा है, कंटिन्यूसली ऑपरेटर मूवमेंट की तरह इस तरीके से मूव हो रहा है या डेफिनेटली स्टॉक कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये हर एक डिप आपको अगर ऐड करना है इसमें या फिर आपको स्टॉक में बने रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये सारी चीजें आप इससे डिसाइड कर सकते हो किस तरीके से स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट हो रही है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक में डबल होने की क्षमता है अगर आप में पेशेंस रहा और आप इस स्टॉक की चार्ट को सही तरीके से रीड कर पाए अच्छी पोजिशन साइजिंग की, तो डेफिनेटली इससे एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो आप। इसके अलावा आप आज के जो भी मैंने स्टॉक्स आपको बताए, तीनों ही स्टॉक्स की डिलीवरी किस तरीके की डिलीवरी हो रही है इन स्टॉक्स में, डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा, तो वो भी आपको आपका माइंड मेकअप करने के लिए हेल्प कर सकती है। तीनों ही स्टॉक आज के कैसे लगे आपको, उसके चार्ट सेटअप्स कैसे लगे, डेफिनेटली मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा और कोई पेनी स्टॉक है जो आप डिस्कस करना चाहते हो या आपको लगता है अगले वीक अच्छे मूवमेंट दिखा सकती है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगर मैं उसके चार्ट को एनालाइज करूंगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसे डेफिनेटली लाइक भी करूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा, और हो सकता है अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस भी करूंगा। दोस्तों पेनी स्टॉक्स को चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि काफी स्टॉक्स को देखना पड़ता है, काफी स्टॉक्स के चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ता है। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तीनों स्टॉक सिलेक्शन और उसके चार्ट्स अच्छे लगे हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। दोस्तों यूट्यूब आपके लाइक और कमेंट की वजह से डिसाइड करता है कि कौन सा वीडियो अच्छा है, कौन सा वीडियो से लोग एंजॉय कर रहे हैं और कौन से वीडियो पे लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन से वीडियो से लोग एंगेज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लाइक्स और कमेंट की वजह से यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, तो डेफिनेटली इसमें कंजूसी ना करें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, वरना आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेंगे।